थिंक यार बहुत बहुत खुशी है इस बात की, बिकॉज पार्ट वन जो था बहुत बड़ी हिट थी, और सीक्वल में यानी जो इसका पार्ट टू बना है उसमें बतौर एक्टर मौका मिला यहाँ पे आने का, इस फिल्म का पार्ट होने का. सो आई थिंक बहुत खुशी हुई. हाँ जी सर, आप डबल रोल प्ले करना चाह रहे हैं? यार डबल रोल तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ सिंगल रोल ही है, लेकिन दो अलग अलग किस्म के कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. एक है डेविड समथिंग, टैक्सी में आंधी की है, और दूसरा है डेविड चड्डा जो पंजाबी है. डेविड समथिंग आता है सीट एडमिशन पे, और डेविड चड्डा बनता है. तो बेसिकली यही है, एक सावला आदमी जो सफेद आदमी है. ईजी पार्ट नहीं, दोनों करने में मुझे बहुत मज़ा आया. और अभिषेक शर्मा जो हमारे डायरेक्टर, बहुत कमाल के डायरेक्टर, सारा मतलब भी वो मतलब काम को काम ऐसे नहीं लगता उनके साथ करने में, ऐसा नहीं करते, बहुत मज़ा आया करने में, और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. अच्छा प्रद्युमन, अपने बारे में बताइए, सेकेंड पार्ट में हम देखने वाले समथिंग कितना डिफरेंट था फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट? First part I was playing Noora, a poultry farmer who basically becomes, who's tricked into becoming a Osama lookalike, and a fake tape is released. This part I'm playing a character by the name of Paddi Singh, who's basically a singer. He's like a folk singer from Punjab who comes to Mumbai to become famous, but he's not been able to do so. And that's where he meets Manish Paul's character Sharma. And Sharma basically tells him that you're going to become a star, but not by your voice, but by your face. And it's Sharma who basically is also a struggling director in Mumbai, and how these two make a film called Tere Bin Laaden. That was the first part. And uske baad, that becomes a hit. And post that, inki zindagi mein, jeevan mein kya hota hai, that's the whole story. So my character in this film, I'm playing a fictional, I'm playing fictional myself. Matlab, main Pradyuman Singh, I'm an actor. Toh wahi ek fiction humne create kiya hai isme. So I'm basically playing the actor who played Noora in Tere Bin Laaden. Manish, aapki kaisi chemistry rahi Laaden ke saath? Yeah, bahut badhiya chemistry rahi. In fact, jab main part bana is film ka starting mein, toh main thoda tension mein tha, because ये लोग सारे ऑलरेडी फिल्म का पार्ट पहले रह चुके हैं, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म का. तो आप उसमें नए कैरेक्टर आते हो तो आपको समझ नहीं आता कि अच्छा करना क्या है. उसके ऊपर से अभिषेक शर्मा ने पहले ही मुझे थोड़ी टेंशन दे दी थी कि भाई देखिए बड़ी जिम्मेदारी है तुम पे इस फिल्म पे, तो संभालना है. मैंने डन सर, बट थैंकफुली प्रद्युमन मिले, बड़ा मज़ा आया उनके साथ, टाइमिंग बहुत अच्छी रही. सिकंदर के साथ भी बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत बढ़िया रहा. सो द बेस्ट पार्ट वॉज ये पूरी टीम वॉज लाइक अ फैमिली, कि सब लोग मिल के काम कर रहे हैं. ये नहीं कि सब एक्टर्स अपने कोने में घुस के अपनी अपनी स्क्रिप्ट पे अपनी लाइंस पे ध्यान दे रहे हैं, सब लोग को एक दूसरे के डायलॉग्स याद थे, सब लोग हेल्प करते थे एक दूसरे को सीन में. सो आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म. अच्छा प्रद्युमन, तो फर्स्ट पार्ट में चली गई ना आप लोगों की पार्ट में. जी लादेन की बात थोड़ी बहुत फिल्म उन्हीं के ऊपर है. जी व्हाट इज द सेकंड वन यू वांटेड टू बी अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ उस तरह से फिल्म ग्रो हो रही है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक मुझे जब कैरेक्टर सुनाया गया था, सर ने मुझे पहले बताया था मैं अब एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ डायरेक्टर का, जो कि एक्चुअली अभिषेक शर्मा ही हैं, तो उन्हीं का फिक्शनल कैरेक्टर है. तो जब मुझे कैरेक्टर सुनाया मुझे बड़ा मज़ा आया. जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे पहले वन लाइनर सुनाया गया था, तो मैं तो वन लाइनर पर ही बड़ा खुश था. तो आई थिंक पहली बात हम उस बारे में सोचा नहीं. दूसरा, ये फिल्म ओसामा की लाइफ पर नहीं है. इस फिल्म में ओसामा है ही नहीं. इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसको हम फेक ओसामा बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और वो फ़ायदा भी ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंच रहा है. इट्स ऑल इन अ कॉमिक वे. किसी का हमने कोई ऐसा मजाक नहीं उड़ाया कि पॉलिटिक्स में क्या हुआ या क्या होना है, उस बारे में हम घुसे ही नहीं यार. बिकॉज़ हमने ये फिल्म ऑडियंस के लिए बनाई है कि आओ दो घंटे बैठ के फिल्म इंजॉय करो, हंस के घर जाओ, यही फंडा था. नहीं, आई थिंक प्रीटी मच यही था कि बहुत मज़ेदार था उनके साथ काम करने में. गिवन टेक अमेजिंग टाइम में काफ़ी कुछ कह दिया है, और एवरीबॉडी एंजॉयड वर्किंग विद ईच अदर यार, इट वाज अमेजिंग. और ये सही कहा उन्होंने कि ये ओसामा बिन लादेन पे कहानी है ही नहीं, ये पद्मी सिंह पे, शर्मा पे, अमेरिका पे है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, जैसे उन्होंने कहा कि स्पिन ऑफ है, सीक्वल नहीं है. हाँ, बाकी बहुत लोग उसकी टेंशन ना लें जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है. तो वो कहे जो यार पार्ट वन नहीं देखा, पार्ट टू देख के गया. इट्स लाइक वो इंडिपेंडेंट, समझ में आ जाएगा. करेक्ट, और बहुत मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, अलग किस्म की फिल्म है, इसे स्पिन ऑफ कहते हैं. अच्छा, हमने रिसेंटली आपको सीरियस फिल्म कुछ फिल्मों में भी देखा जी, इसमें कॉमेडी रोल में है आप, तो ये कैसे इवॉल्व हुआ सिकंदर?
नहीं मैं तो हमेशा कॉमेडी करना चाहता था, मैं बस उसकी को ढूंढ रहा था कि कौन सी वाली कॉमेडी करूँ। कॉमेडी तो मैं हमेशा करना चाह रहा क्योंकि मैं वैसे हूँ थोड़ा सा पागल, ऐसे दिख नहीं रहा हूँ मुझे वैसे, लेकिन हूँ काफ़ी पागल। तो जब अभिषेक शर्मा जो दूसरे बहुत ही पागल किस्म के इंसान हैं उनको मैं मिला, तो ये स्क्रिप्ट जब उन्होंने जैसे मनीष ने कहा कि वन लाइन पर ही हम लोग फिदा हो गए, वन लाइन में सुना और मैं हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो वो कनेक्ट हो गया था मैं उस स्क्रिप्ट के साथ। मैं यही ढूंढा था कि कौन सी कॉमेडी करूँगा ज़रूर, लेकिन कुछ ढंग की कॉमेडी होनी चाहिए जिससे मतलब जो मेरे किस्म की कॉमेडी है जो मैं कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि फिर मैं फील करूँगा उसे। जो कॉमेडी आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फील करें, आप उससे कनेक्ट करें, क्योंकि फिर आप कॉमेडी की एक्टिंग नहीं कर रहे, फिर बस वो मतलब हो जाता है, यू बिकम द कैरेक्टर। या बिकम द कैरेक्टर, वो मतलब उसमें ट्राई नहीं करना पड़ता है कुछ कॉमेडी वाली लाइन्स बोलना या ये, इट जस्ट वो कल्मिनेशन होता है, बहुत मज़ा आता है। मनीष ने मुझे टिप्स दिए मेकअप और हेयर के। हाँ, मैंने उनको यही सिखाया, बाकी मैंने कोई भी फॉलो नहीं यार, इसमें कोई एक दूसरे को हम टिप्स नहीं देते थे। इसमें बेस्ट पार्ट यही था, बहुत गिव एंड टेक था, बहुत अनसेल्फिश था, कोई भी इनसिक्योर नहीं था, मतलब हम आपस में लाइन शेयर करते थे यार, एक्टर्स नहीं करते, एक्टर अपनी लाइन को लेके ना बल्कि दूसरे की लाइन ले रहा होता है। यहाँ अगर दे रहे थे सिकंदर को होता था कि यार ये पंच ना मनीष तू बोल दे, तो मैं बोल देता था, कभी प्रद्युमन के पास आया कि नहीं यार ये सिकंदर को बोलना चाहिए, तो आपस में हम देख लेते थे। व्हाट वी फोकस्ड वाज कि सीन ऑडियंस को मजा आना चाहिए, नॉट कि एक कैरेक्टर पे नजर जा रही है, वो नहीं, हमारा था सीन मजेदार होना। ऑब्वियसली क्योंकि कॉमेडी में कभी किसी एक का नहीं हो सकता, सबका ही होता है, और अगर सीन चलेगा तो फिर सबको मजा आएगा। सीन हैज टू वर्क इन कॉमेडी, एवरीबॉडी इज गिव एंड टेक, हैज टू वर्क इन कॉमेडी, अदरवाइज इट विल जस्ट फॉल फ्लैट। जैसे मनीष पॉल ने बताया कि ये एक स्पिन ऑफ है, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल सीक्वल, तो फ्रॉम अ क्रिएटिविटी स्टैंड पॉइंट इट्स अप देयर, यू नो, इट्स अप देयर टू एनी ग्रेट सीक्वल दैट यू कैन थिंक ऑफ। द होल मोटिव ऑफ मेकिंग दिस फिल्म वॉज कि कुछ सीक्वल अगर बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना है कि लोग बोले कि ये क्या बना दिया, यू नो, दैट इज़ वाई इफ़ यू सी I am playing an actor in the film, you know, I am playing an actor, Paddy Singh, fictional, he is playing Abhishek Sharma's fictional version, you know, he is playing a CIA guy, to matlab it's inka ek dialogue hai that it's based on real reality, you know, so that's the kind of stuff that you will see with some elements of reality, how we have fictionalized it. It was a very difficult script to write. Abhishek and I, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, कम से कम 7 या 8 ड्राफ्ट इस फिल्म के लिखे गए। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने बोला था कि यार I don't think this will work. तो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस स्क्रिप्ट, और हो सकता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट यू नो वर्क ऑफ फिक्शन जो मैं कभी किसी का जिसका हिस्सा बनूँ हो सकती है मेरी जिंदगी। आपसे शुरुआत, अच्छा मुझसे शुरुआत करते हैं, कौन सा लें, ऐसा कुछ लेते ना कि तीनों बोल दें उसमें। क्या बात है, क्या बात, आइए टुटेजा जी, आइए टुटेजा नहीं चटा, हाँ एक ही बात है टुटेजा, हमें तो घर में इतना है। NRI प्रोड्यूसर और मैं आई वांट टू मीट पद्धि सिंह, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं आपकी कंपनी का नाम क्या है? CIA? वो लड़की बोलती है CIA? CIA, of course, cinema in America. तो चड्डा जी एक करना की है? करना की है? मरना है? हैं? ओए इन द फिल्म जी, इन द फिल्म जी। बस आगे फरवरी तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव, यस, मनीष पॉल, सिकंदर खेर, प्रद्युमन सिंह, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशक फिल्म, और दो बहुत सेक्सी कन्याएं भी हैं जी हाँ, उन लड़कों के लिए जो नाटी हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।